सितम कर ये गुर्बत क्या करें। ये जो तुम सोच रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगा, समझ आई? ये कब से मेरे बॉडीगार्ड की जॉब करने लगा है? पागल, तनी क्या कह रहा था कुछ समझ ही नहीं आया। क्या सोच रही हूँ मैं? जैनब अब इनकार करके जा चुकी, मेहरबानी करके अब इस किस्से को खत्म कर दें। लिहाज और मुरव्वत तो बिल्कुल ही नहीं रहा जैनब में। कुछ ज्यादा ही मगरूर नहीं हो गई ये? मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर वहां रिश्ता लेके मत जाना, तो तुम क्यों गई थी? मगर तुम्हें जलील होने का बहुत शौक है, हो गई तुम्हारा शौक पूरा? अब हो गई आप लोगों की मुराद पूरी। अगर आज मैं अपनी मोहब्बत के इतने करीब जाके हार रहा हूं, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की नफरत के बायस। सुना था वालदैन ही अपनी औलाद के कर्मों का फल भुगतते हैं, लेकिन यहां तो मुझे भुगतना पड़ रहा। ठीक ही कहते हैं लोग कि वालदैन का किया औलाद के आगे आता है। अगर उशना मेरी नहीं हुई ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा इस घर में किसी से भी कोई रिश्ता है। कि याद रखिएगा आप, चलिए जी, चलो। अड़ गया कलेजे में सकून तुम्हें? हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों बंद था? वो मैं क्लास में थी इसलिए फोन बंद किया हुआ था, बस अभी वापस आई हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। अभी? हाँ, अभी और इसी वक्त, वरना मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। सब सब खैरियत तो है ना? बात क्या है आकर? क्या तुम नहीं जानती कि बात क्या है? नहीं, मैं तो अभी यूनिवर्सिटी से घर वापस आई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरे रिश्ते से इनकार करने से पहले तुमसे राय ली थी? मामा ने इनकार कर दिया? तुम्हारी हैरत बता रही है कि पप्पू ने तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी नहीं? वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मेरी फैमिली की सजा मुझे क्यों दे रही है? इतनी मुश्किलों से मैंने सबको मनाया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर पप्पो हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानी तो मैं कुछ कर जाऊंगा। क्या करेंगे आप? जब करूंगा तो सबको पता चल जाएगा। प्लीज सुफियान, कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की या करने की जरूरत नहीं है। मैं मामा से बात करूंगी। तो फिर करो बात और मुझे अपना फैसला सुनाओ। जी।
सुनो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, लंच कर लो आके, शहरोज भी आ गया। मामा, हाँ आपने रिश्ते के लिए इनकार कर दिया? हाँ। आपने मेरी राय भी नहीं ली। मुझे लगा मैं तुम्हारी राय जानती हूँ। जिस घर में तुम एक पल रुकने को तैयार नहीं थी, वहां शादी करके कैसे रहोगी? हाँ, लेकिन वो सुफियान चाहते हैं कि... कोई क्या चाहता है उसको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। जिस जगह हमारे साथ इतना बुरा सलूक हुआ है, वहां खुद ही सोचो तुम्हारी कदर कौन करेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी, फिर सबकी उम्मीद और आस ही टूट जाएगी। मेरा रिश्ता किसके साथ? शहरोज। शहरोज? शहरोज, मुझे लगता है मैंने गलत सुना है। हाँ सही सुना है, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन आपके और वहाब अंकल के रिश्ते के बाद ये गुंजाइश कहाँ निकलती है? मतलब शहरोज तो... शहरोज से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, इसलिए इस निकाह में कोई कबाहत भी नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या शहरोज अंकल और आंटी की सगी औलाद नहीं है? मामा बताए ना, क्या शहरोज अंकल और आंटी का सगा बेटा नहीं है? अमेजिंग, मतलब सगी औलाद ना होने के बावजूद भी वो इतनी अकड़ दिखाता है। उसकी अकड़ और उसकी आदतें, उसका गुस्सा देखकर तो मुझे पहले ही शक होता था कि ये अंकल और आंटी की औलाद कैसे हो सकता है। आज मुझे कंफर्म हो गया कि उनका वाकई वो बेटा नहीं है। सुनो छोड़ो ये बातें, हमें ये बात डिस्कस करने की किसी से जरूरत नहीं है। मुझे तो एहतियात करनी है, लेकिन आप फर्ज करें अगर शहरोज को ये पता लग जाता कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो आपको क्या लगता है वो मेरी दुखती रखो खाली हाथ जाने देता? लेकिन खैर, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, मुझे तो ख्याल करना ही है। और एक और बात, मैं आपका कहा मानकर चुप तो रह सकती हूँ, लेकिन उस अकड़ू लड़के से कभी शादी नहीं कर सकती। आप मेरी तरफ से साफ साफ इनकार पहुँचा दीजिएगा। सुनो, जज्बात में आके कोई फैसला ना करो, ठंडे दिल से सोचो। तुम ये तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए जो सोचूंगी या जो फैसला करूंगी वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा। बस इस बात को दिलो दिमाग में रखो, होगा वही जो तुम चाहोगी। लंच के लिए आ जाओ। क्या हुआ बेटा, उष्णा से बात हुई तुम्हारी? जी। तो क्या कहा उसने? उसके हाँ के बावजूद जैनब ने इनकार किया, ये बात तो उसे बहुत बुरी लगी होगी। पप्पू ने तो उसकी राय भी नहीं पूछी, बल्कि वो तो इस बात से भी अनजान थी कि पप्पू ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या इस जैनब से ना मुझे यही उम्मीद थी, बस तुम ही हो जो हर वक्त फुप्पो 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 करते। देख लिया अपनी फुप्पो जान को, बड़े घर जाते ही तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। उनके इनकार की वजह तो ठीक है, लेकिन हुआ तो सब कुछ आप लोगों की नफरत की वजह से है ना। तो हो गई ना गलती बेटा, मैं तो जैनब के पांव पड़ के उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए कि मेरे बेटे का दिल आबाद हो जाए। उष्णा ने कहा है कि वो पप्पू से बात करेगी। और तुम्हें क्या लगता है मान जाएगी वो?
पता नहीं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। तुम बस उष्णा को मनाने की कोशिश करो। उष्णा को क्या मनाना है, वो तो पहले से ही राजी है। तो फिर क्या मसला है, जब उष्णा राजी है तो मैं कराऊंगी तुम दोनों की शादी। वो की मर्जी के खिलाफ? हाँ बेटा, उष्णा समझदार और बालिग लड़की है, तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेना और बाकी मैं देख लूंगी। और वलीमा तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी तुम्हारा। आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी अपने बेटे से, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि उष्णा पप्पू की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। तो उसे मनाना तुम्हारा काम है बेटा, माओं का क्या है, अपनी औलादों के लिए कभी ना कभी दिल पिघल ही जाता है। ज़ैनब अभी सख्त बनी हुई है, जब उष्णा तुमसे निकाह कर लेगी ना तो वो भी मान जाएगी। वो मानेगी तो नहीं, लेकिन चलें मैं कोशिश जरूर करूंगा। हाँ बेटा करो कोशिश, गैरतमंद लड़के तो अपनी पसंद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और फिर यहां तो लड़की भी राजी है, फिर क्या मुश्किल है। जी करो कोशिश बेटा, और मैं तुम्हारे साथ हूं ना। उष्णा से बात करो। चल रहा है, सब लोग सब कुछ जानते हैं सिवाय मेरे। सोटा क्या हुआ? बीबी जी खाना लग गया है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ जी, कैसा दिन गुजरा आज? बहुत अच्छा आंटी। गुड। बाप को भी बुला लेना था लंच के लिए, वो बिजी थे मीटिंग में। ओह चलो कोई बात नहीं, आप दोनों के आने से मेरे घर में बड़ी रौनक आ गई है, वरना ये दोनों तो अपने अपने काम में मसरूफ रहते थे और मैं सारा दिन अकेली, खाना भी अपने कमरे में, सिर्फ अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। चलें अब तो हम आ गए हैं ना, अब आप खुल के हंस बोल सकती हैं। अब तो कोई शिकवा ही नहीं रहा, आप आ गई, आपके साथ इतनी प्यारी बेटी मिल गई, लाइफ इज ब्यूटिफुल। देख रहा हूँ कि गैरों की मोहब्बत में खोके आप अपनों को बिल्कुल ही फरामोश होती जा रही हैं। गैर कौन है यहाँ बेटा, सब अपने ही तो हैं। और अब तो रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब लड़की पहले ही किसी और के नाम की अंगूठी पहनकर बैठी हो तो आप ही ख्वाहिश से फंसे बाप की?
आखिर क्या किया तुमने? शर्मिंदा करा दिया मुझे सबके सामने। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तुम्हारी फरमान बरदारी का भरम रख रही हूँ और तुम ये अंगूठी पहनकर बैठी हुई हो। शहरोज क्या कह रहा था? क्या सुफियान मिला था तुम्हें? जी। कब और कहाँ? कल आए थे वो घर के बाहर। सुफियान आया? तुमने मुझे बताया तक नहीं। आपको बताने का मौका नहीं मिला। शहरोज तुम दोनों को देखा होगा इसलिए वो ये कह रहा था। नजर रखने की आदत जो है उसे। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे और शहरोज के रिश्ते के लिए आपा को हाँ करती है। कैसे हाँ कर सकती हैं आप? मेरी मर्जी जाने बगैर आपने उन्हें हाँ कैसे कर दी मम्मा? तो फिर किसे हाँ करनी चाहिए? किसी को भी हाँ कर दे, मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन शहरोज, शहरोज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है? आपने देखा नहीं है बात बात पर कितनी इंसल्ट करता है वो हमारी, कितनी अकड़ है उसमें। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि उसने रिश्ते का सुनकर इनकार भी नहीं किया। अगर हम उसे इतने बुरे लगते ना तो साफ इनकार कर देता। वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा नाराज है, ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि रिश्ते से उसे इनकार भी नहीं है। वो भले ही हाँ कर दे, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। मैं शहरोज से शादी नहीं करूंगी मामा। इससे अच्छा तो मैं सुफियान को ही हाँ कर। मैं कभी सुफियान के लिए हाँ नहीं करूंगी। मैं कभी उन ना कदरों के हवाले तुम्हें नहीं करूंगी। ये अंगूठी उतारो, भाभी को वापस करो। उतारो ये अंगूठी। ये फंस गई है, उतरनी है। पहनी क्यों थी ये? कल बाजार जाएंगे, कटवानी पड़ेगी, समझी तुम? ये कुछ मेडिसिन्स हैं, मंगवानी है, मैं ड्राइवर को कहती हूँ। आपके आने से तो दवाओं के झगड़े ही खत्म हो गए। शुक्र है उसका। आपने अपने अमल से साबित किया है कि आपका इंतखाब करके मैंने कोई गलती नहीं की। उष्णा से बात हो गई क्या? जी। फिर बता दी उसे सारी हकीकत? वो समझ रही है कि शहरोज आपकी सगी औलाद नहीं। अच्छा, और मुझ पे तो हिम्मत ही नहीं हुई उसे सच बताने की। मुझे अंदाजा है आपकी मुश्किल का, लेकिन इस वक्त तो सच माने इत्मीनान हुआ है ये सुन के कि शहरोज और उष्णा ने इस बात पे कोई हंगामा नहीं किया। लेकिन मुझे इस खामोशी से खौफ भी आ रहा है। उष्णा के बारे में मैं जानती हूँ वो मेरे फैसले या मेरी किसी बात के खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन अगर शहरोज, जिस तरह आपको अपनी बेटी पे यकीन है वो आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी, इसी तरह मुझे भी शहरोज पे यकीन है। मेरा हुक्म उसके लिए पहली तरजीह है। ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। हजार इख्तलाफ के बावजूद वो आपकी बात के आगे बोलता नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन इस मसले का करें क्या? मैं वाकई उलझ गई हूं। बात तो उलझन की है, लेकिन देखो ना, शहरोज जान गया है कि उष्णा आपकी बेटी नहीं है, जबकि उष्णा समझ रही है कि शहरोज हमारी औलाद नहीं है। मैं तो कहती हूं जब तक ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलने देते हैं, उष्णा भी मुश्किल में नहीं पड़ेगी। लेकिन पापा, एक ना एक दिन तो ये हकीकत हर सूरत सामने आएगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हकीकत छुपी रहे। मेरा ख्याल है कि इसी में बेहतरी है, अल्लाह की मसलहत है। हाँ कर सकते हैं। बस परेशान ना हो, दुआ करो कि कोई बदमस्की ना हो, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द इन दोनों की मंगनी करना चाहती हूँ। बस वहाँ आपसे बात कर लूँ एक दफा, जो आप मुनासिब लगे। हुँ।
आप लोग को पता भी है घर में हो क्या रहा है? क्या मतलब? उष्णा सुफियान से कोर्ट मैरिज कर रही है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। ना माने, जब दोनों गले में हार पहन कर आ जाएंगे ना, तब मान लीजिएगा। तुमने पप्पो से बात की? क्या कहा उन्होंने? वो मैंने मम्मा से बात। हेलो उष्णा, सितम गर ये कुर्बत क्या करे। अफसोस, लोगों के बड़े बड़े ख्वाब पूरे होने से पहले ही टूट गए। कितनी आस लगा के रिश्ता बिछवाया था ना, और पप्पू ने इनकार कर दिया। बहुत अफसोस हुआ, दुख भी बहुत हुआ। पप्पू सिर्फ मेरे रिश्ते से नहीं, तुम्हारे भाई के रिश्ते से भी इनकार करके गई हैं। शायद तुमने सही से सुना नहीं, जाके अपने भाई से पूछो। मैं क्या भाई से जाकर पूछूं? भाई उष्णा से मोहब्बत करते, उष्णा भाई से, और इनकार तो पप्पू ने किया ना। और वैसे भी अभी मैं मामा और भाई की बातें सुनकर आ रही हूँ। उष्णा तो भाई के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए भी रेडी है। वो दोनों तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? जो भी करूंगा उसमें तुम्हें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। तुम अपने हाल पर रहम करो। क्या हुआ, शिरोज ने घास नहीं डाली? उसके घर तो बड़े गरूर से रहने गई थी। क्या हुआ, मुंह की खाली? बकवास बंद करो अपनी। Same to you. और मुझसे हमदर्दी करने से बेहतर है कि तुम जाके कहीं सेट हो जाओ, क्योंकि तुम्हें तो कोई पूछ नहीं रहा। हटो यहां से। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कॉल क्यों नहीं की? तो पप्पी से भी बात कर ली होगी। और मजीद इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। कुछ भी हो जाए, मैं उस फजूल इंसान से शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या करूं, मम्मा भी तो मेरी बात नहीं मान रही। नहीं, मां आंटी से बात करती हूँ। नहीं, वो भी तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं, दुख होगा उन्हें। क्या करूं? सहूलत मुयस्सर है तो मैं सबके सामने बुरे क्यों बनूं? Thank you.
विष्णा समझती है शेरूज हमारी सही औलाद नहीं है, हकीकी औलाद नहीं है, वो समझती है। आप ये कब तक छुपाती रहेंगी इंदु? बाब, मैं और जैनब उष्णा को टूट फूट से बचाना चाहते हैं बस। तो ये सच कब तक छुपाए रहेंगे आप दोनों? जब तक मुमकिन हुआ। देखें बाब, ऐसे सच को बताने का क्या फायदा है जिसमें इंतशार का डर हो। शादी हो जाएगी, कल कलां को बच्चे हो जाएंगे, ध्यान बढ़ जाएंगे। उस वक्त अगर उष्णा को पता भी चल जाता है तो मेरा ख्याल है उस वक्त उसके लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, है ना? सोच लें, जो आप सोच रही हैं शायद ठीक हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ जैसे आप सोच रही हैं, उसके लिए भी तैयार है। जिंदगी में सब कुछ ही गैर मतवक्का होता है। मेरा तो ये ख्याल है कि इस बात को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, जो उसकी बेहतरी। क्योंकि देखें, ये रास्ता भी तो हमें अल्लाह ने ही दिखाया ना। मेरे दिमाग में ये बात डाली, ज़ैनब इस बात पे हमसे एग्री कर गई। रास्ता तो दिखा रहा है ना अल्लाह में, तो छोड़ देते हैं अल्लाह पे। चलें, जैसी आपकी मर्जी। तो फिर निकाह की तैयारियां करें इतनी जल्दी? हाँ, तो इंतजार किस बात का है? मैं तो चाहती हूँ अगले माह शादी हो जाए। इतनी जल्दी ना मचाएं आप। मुझे तो है जल्दी वहां, मेरा बस चले तो मैं कल ही शहरोज को दूल्हा और उष्णा को दुल्हन बना दूं। तू चला तो भला को टाल तू, मम्मी और बचा लेना। चल उष्णा, हिम्मत पकड़। पता नहीं ये अपने बूम में है अभी मोहतरम या नहीं, है किसी पिंड से आए जो इतना जल्दी सो जाते हैं। यस। वो मुझे आपसे बात करनी है। मैं ऐसा कोई शौक नहीं रखता। हाँ, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। कहीं क्या बात करनी है आपने मुझसे? मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आई डोंट नो, मामा को आप में कौन सी खूबी नजर आती है कि मेरे इनकार को भी अहमियत नहीं दे रही। फिर ये कि अंकल और आंटी के सामने इनकार करके मैं मामा को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाकर उन्हें कह दें कि आपसे शादी नहीं। मैं क्यों इनकार करूं? खुद इनकार करो ना जाकर। शायद आपने ठीक से सुना नहीं कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। फिर किससे शादी करना चाहती हो? उस फजूल सी अंगूठी बनाने वाले पटीचे इंसान से? मैं किससे शादी करना चाहती हूँ किससे नहीं, ये आपका हेडेक नहीं। मेरी माँ ने ना इस रिश्ते को अपनी खुशी से रिलेट कर दिया, तब ये मेरा हेडेक ही है। शादी तो होकर रहेगी, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। सुना नहीं आपने, मुझे आप पसंद नहीं है। तो मुझे कौन सी पसंद हो तुम? वैसे भी थर्ड क्लास पसंद हो देख ली मैंने तुम्हारी, लेकिन खैर मेरा सुबह वास्ता नहीं है। मेरी माँ ने हुक्म दे दिया कि तुमसे शादी करनी है, शादी तो करनी पड़ेगी। अब जाओ, नजर ना मुझे यहाँ, तुम निकलो। लिसन प्लीज, तुम निकलो यहाँ, फटकना मत ना। जाओ जाओ। कहा था आज बचा लेना। मैं क्या करूं? थैंक यू। आप लोग को पता भी है घर में हो क्या रहा है? क्या मतलब? उष्णा सुफियान से कोर्ट मैरिज कर रही है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। ना माने
जब दोनों गले में हार पहन कर आ जाएंगे ना तब मान लीजिएगा। लेकिन उष्णा जैनब के खिलाफ कैसे जा सकती है? मोहब्बत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। हो सकता है सुफियान ने उसे भड़काया हो। सुफियान इस हद तक नहीं जा सकता बाबा, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब आप लोग बताएं, आप लोग क्या करेंगे? जैनब का इनकार करने के बाद यही सोच सोच के तो मेरा सर फटा जा रहा है कि अब क्या करेंगे। आप सोचती रहे और यहाँ सुफियान की लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इतनी आसानी से नहीं निकलती है। लॉटरी निकल आएगी, क्या करेंगी अब आप? कुछ ना कुछ तो करूंगी। हाथाई दौलत को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। सोचती हूँ क्या करना है। महराज, मजीद कुछ चक्कर चलाकर इस घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं। प्लीज डोंट डू एनीथिंग। तुम आओ मेरे साथ। महराज रहने दें आप। कहाँ उष्णा, पूरी रात मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने एक भी पिक नहीं की, पर तुम्हारा फोन ही बंद हो गया। वो मैं रात में सो गई थी और शायद फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, बस इसीलिए। मेरी नींद उड़ा के तुम कैसे सो सकती हो? पूरी रात एक सेकंड भी आंख नहीं लगी। आप भी सो जाते, ऐसे रात भर जागने से क्या होगा। अच्छा खैर छोड़ो मेरी नींद और सुकून को, तुम ये बताओ कि तुमने पप्पो से बात की? क्या कहा उन्होंने? वो मैंने मम्मा से बात। हेलो उष्णा, व्हाट द हेल, आपने मेरा फोन क्यों करा दिया मुझे धक्का देकर? इसलिए ताकि तुम किसी को सोने के मशवरे ना दे सको। समझता क्या है ये? मैं तो यहाँ तुम्हें दाद देने आई थी। क्या मतलब? मैं समझूंगी। समझोगी कैसे? खून अपना हो तो उसके रंग भी पहचान में आ जाते हैं। आप साफ साफ कहें क्या कहना चाहती हैं? पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हैं? बहुत गुरूर था ना तुम्हें, दोनों रिश्तों को इनकार कर दिया। लेकिन इनकार करने से पहले उष्णा की राय ली थी। हम दोनों की राय एक ही है। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर शोर क्यों मचा हुआ है कि उष्णा और सुफियान कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं? क्या ये क्या कह रही हैं आप? वही जो सब कह रहे हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती, लेकिन उसे करवाया तो जा सकता है ना। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैं नहीं चाहती कि भाभी बेगम और सुफियान कोई ऐसी हरकत करें
जिससे उष्णा की इज्जत पे कोई बात आ जाए, उसके साथ कुछ होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। संभाल लो उष्णा को, अभी भी वक्त है। उष्णा ऐसी नहीं है, बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बाकी लोग ऐसा जरूर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहां तुम्हें वार्न करने आई। मेरी हुज़ैफ़ा का रिश्ता आज भी हाजिर है, जब कहोगी निकाह खां को लेकर आ जाऊंगी। इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे ये कितनी साजिशी औरतें हैं, और आप क्यों परेशान हो गई हैं? उसने ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, आपको भरोसा होना चाहिए उस पर, आपने तरबियत की है उसकी। अगर मैं उसे इतना जानती हूं कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो पुरसकून हो जाए। प्लीज सनम, आप यहाँ? सितम गए